please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पुराना रिकॉर्ड आज की तारीख में इसको किसी भी केस में सजा नहीं हुई, इसलिए पुराना रिकॉर्ड को रिलेवेंट ही नहीं है और नए मंगा रही है। तो ये हस्तीमल सारस्वत सलमान खान के लॉयर जो कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्शन किए गए हैं वो कहीं मेंटेन नहीं करते। महत्वपूर्ण दलील जो हमारे साथ हैं महेश बोड़ा सर, 20 साल का ट्रायल पेश किया और दूसरी बोड़ा साहब इसके बावजूद कि वो बेहद बिजी रहते हैं तब भी वो हर पेशी पे आए, उन्होंने कभी जंप नहीं किया, इसलिए 20 साल बाद में केस का अगर जजमेंट आया है तो आज उनका बनता है अधिकार कि उनको जमानत पर छोड़ दिया जाए। अपील जब तय होगी तब देखा जाएगा उसका फेट क्या होगा। बोले साहब आपने उन्होंने एक जो सरकारी वकील की दलील थी साहब कि केस उनके खिलाफ बहुत बनता है इसलिए उनकी जमानत नहीं दी जाए, इसके अलावा कोई दलील सर। और बोले साहब उन्होंने एक बात कही थी कि इनका पुराना रिकॉर्ड मांग लिया जाए। कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, हमने कहा कोई केस पेंडिंग नहीं इस देश के अंदर। आपको लगता है सर, जो आपने आप हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था तब भी जो है इस बार बार ये प्रोसिक्यूशन इस दलील को उठा रहा है कि दो केस और थे साहब उनकी इच्छा जो दलील उठा है कोई केस नहीं। उन्होंने फिर जो आम से एक्ट वाली आपने दलील की वो क्या स्ट्रांग दलील है आपकी तरफ से? बिल्कुल स्ट्रांग दलील है, आम से एक्ट में एक्विटल हो गया इसलिए आज की तारीख के अंदर नहीं माना जा सकता। सर आप एक सर दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने जो तीन तर्क रखे थे खासतौर पर आपने तीन तर्क अच्छा आर्गुमेंट वी मेड द यस्टरडे ना टुडे द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज सेड समथिंग वी हैव गिवन द रिप्लाई टू देम एंड द कोर्ट हैज पोस्टेड द केस आफ्टर द लंच। लंच के बाद ऑर्डर आएगा, कोई आर्गुमेंट नहीं होने अब। अच्छा आर्गुमेंट दोबारा नहीं किया जाता है, वो बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आर्गुमेंट किया था, जवाब दिया गया। जवाब ये दिया गया कि 389 को अलाउ करना चाहिए इसलिए कि 20 साल से जिस व्यक्ति ने लिबर्टी को मिसयूज नहीं किया ऐसी स्थिति के अंदर जमानत होना आवश्यक है क्योंकि 20 साल से एक आदमी ने ट्रायल फेस किया। अपील का जब डिसीजन होगा तब देखा जाएगा। आपने एक बात रखी थी सर कि सजा स्थगित करने पे अरे रिकॉर्ड भैया कोर्ट के पास है, कोर्ट के पास एक तक रखा था सर कि सजा स्थगित करने पे जो भी हो लेकिन इनको अभी राहत दी जानी चाहिए। यस यस भवानी अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? भवानी बहुत ज्यादा भवानी अगर आप आवाज सुन पा रहे हो तो क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? आपने तीन दलीलें रखी थी, मैं आप सुन रहा था कोर्ट के अंदर आपने तीन बड़ी दलीलें रखी। एक इनको 20 साल के अंदर आप कब ये बार बार जब भी बुलाया गया कोर्ट में प्रेजेंट हुए कोई ये आपने बात रखी थी। दूसरा जो सबसे बड़ा है उन्होंने आपने कहा ह्यूमन ग्राउंड मानवीय आधार भी आपने रखा था। सर बेसिक बात यह है कि 20 साल से जो आदमी ट्रायल फेस कर रहा है आज मानो उसका कन्विक्शन भी हो गया तो कन्विक्शन फाइनलिटी पे तो नहीं है ना, अपील विल डिसाइड द फाइनलिटी ऑफ दिस कन्विक्शन। तो कन्विक्शन अगर जब अपील तय होगी तब देख लेंगे क्योंकि कल अगर हमारे अपील अलाउ हो जाती है तो ये जो समय इतना अंदर जेल में आदमी रह जाएगा उसका खामियाना कौन भुगतेगा, इसलिए जब अपील तय होगी तब देखा जाएगा। आज कल तो बेल पर छोड़ देना। आपने एफएसएल को चैलेंज किया था? चैलेंज नहीं किया, एफएसएल ने कहा गन शॉट इंजरी नहीं है। We have not challenged the FSL. We supported the FSL. तो जो महेश बोड़ा सरकारी जो सलमान खान के लॉयर है वो ये कह रहे हैं कि एक ह्यूमन ग्राउंड पे मांग की गई थी कि इनको जमानत दी जाए क्योंकि 20 साल में कभी ये ऐसा नहीं रहा कि इन्होंने आए नहीं जब कोर्ट ने बुलाया। दूसरा आधार FSL की रिपोर्ट, ये कह रहे हैं कि FSL की फाइनल रिपोर्ट में गन शॉट इंजरी नहीं है और जिन आधार पर इनको सजा दी गई 5 साल की ये कह रहे हैं कि वो ग्राउंड ठीक नहीं है इसलिए प्राइमा फेसी इनको बेल दी जाए और सजा स्थगित 389 सेक्शन है जिसके अंदर सजा स्थगित की जाए। जी भवानी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब जो जानकारी सामने आ रही है कि आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं यानी अब जो फैसला होगा वो सीधा फैसला होगा, अब कोई बहस नहीं होगी। जी सुन रहा हूं मैं जी। तो बहस अब पूरी हो चुकी है कोर्ट में, अब ये माना जाए कि लंच के बाद सीधा फैसला सुनाया जाएगा जमानत याचिका पर। हाँ जी बिल्कुल जो बहस है वो पूरी हो चुकी है, अब लंच के बाद में सीधा फैसला आएगा। पहले ये शुरुआत में ये डिसाइड होना था कि ये सुनेंगे नहीं सुनेंगे, जो सस्पेंस था क्योंकि इनका ट्रांसफ़र हो चुका रविंद्र कुमार जोशी का, लेकिन
वो आए कोर्ट रूम के अंदर, बाकायदा उन्होंने सुनवाई शुरू की, यानी कि वो सस्पेंस खत्म हो गया। उसके बाद में सीधे, क्योंकि जो सलमान खान के वकील है उन्होंने कहा कि आप फैसला सुना दीजिए, कल आपने कहा था कि फैसला सुरक्षित है, लेकिन जो सरकारी वकील है उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किए, उन्होंने कहा कि इनका क्राइम का रिकॉर्ड मंगाया जाए मुंबई से बाकी जगह से, कि और केस तो नहीं है ये देख लिया जाए, इसकी डिमांड की गई, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरी डिमांड ये की कि ये इन हैबिचुअल ऑफेंडर है और इन दो केस में पहले सजा हो चुकी है, और तब सलमान खान के लॉयर की ओर से कहा गया है कि उसमें बरी हो चुके हैं। उसके बारे में उन्होंने सफाई दी कि जो सरकारी वकील है उन्होंने कहा था कि सजा बरी होने के बाद में सज़ा तो पेंडिंग है क्योंकि आगे कोर्ट के अंदर अपील कर दी गई है। तो इस आधार पर कुछ ग्राउंड गिनाए गए जिसके आधार पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद में लंच के बाद का समय तय किया गया। जी भवानी, आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल बिश्नोई समाज के वकील ने क्या कहा है इस पूरे मामले में, एक बार आपको वो सुनाते हैं। जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री रविंद्र कुमार जी जोशी के द्वारा आज दोनों पक्षों को सलमान खान की ओर से उनके अभियुक्त तथा सरकारी अधिवक्ता पोखराम जी बिश्नोई तथा शिकायतकर्ता मुझे महिपाल बिश्नोई सभी को सुना गया है। सबकी दलीलों को सुनने के बाद में उन्होंने अपना जो निर्णय कल से आज भी रखा था, अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड भी प्राप्त हो चुका है। सभी पक्षों को सुनने के बाद में उनके द्वारा ये कहा गया है कि आफ्टर लंच अर्थात 2 बजे बाद में जब लंच का मध्यांतर का समय समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात वो कभी भी निर्णय दे सकते हैं। क्या सीधा फैसला होगा या फिर से आर्गुमेंट या कुछ बाकी है? नहीं, अभी बहस पूर्ण हो चुकी है। बहस पूर्ण होने के बाद में उन्हें आदेश के लिए रिजर्व किया जा चुका है तथा उनके द्वारा ये कहा गया है कि लंच के बाद में कभी भी इस जजमेंट का जो आदेश है सेंटेंसेस पर उसको प्रोनाउंसमेंट किया जा सकता है। तो भवानी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, अब फैसला कुछ ही देर में आने वाला है, आपसे समझना चाहेंगे कि आज कोर्ट में क्या कुछ कहा गया दोनों पक्षों की ओर से। देखिए बिल्कुल, जो कोर्ट सुबह शुरू हुई थी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे साथ बिश्नोई समाज के वकील आने वाले हैं, इसलिए हम थोड़े से उनकी तरफ जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब शुरू हुई थी कार्रवाई, जैसे ही शुरू हुई उसके बाद में पहला ही जो पक्ष रखा गया था खासतौर पर सरकार, जब इनसे पूछा गया सलमान खान के वकील की ओर ललित बोड़ा से कि क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, पक्ष रखना चाहेंगे, तो इन्होंने कहा कल आर्ग्यूमेंट हो चुके हैं और फैसला आपने रिजर्व कर दिया, तो आज आपको फैसला सुनाना है। लेकिन उसके बाद में जब सरकार, फिर इन्होंने कहा कि हमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना, उस दौरान सरकारी वकील से पूछा गया क्या आपको आर्ग्यूमेंट्स करना है, तो उस दौरान सरकारी वकील ने भी ये सब उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले के अंदर क्योंकि जो क्राइम का रिकॉर्ड है वो मंगाया जाए, उन्होंने पत्रावली की मांग की, यानी कि केस डायरी की फिर मांग रखी, उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया और फिर आर्ग्यूमेंट्स का मौका दिया गया। उसके बाद में सरकारी पक्ष की ओर से ऑब्जेक्शन रोज किए गए, कहा कि इनको जमानत नहीं दी जा सकती है। उसके 5 बड़े ग्राउंड बताए गए। पहला, उन्होंने कहा कि आई विटनेस हैं पूनम चंद जिन्होंने देखा शिकार करते हुए सलमान खान को। दूसरा, उन्होंने पक्ष रखा कि इस पूरे मामले के अंदर जो FSL की रिपोर्ट है गनशॉट इंजरी आई है, लेकिन जो सलमान खान के लॉयर हैं वो कह रहे हैं कि FSL की रिपोर्ट उनके पक्ष में नहीं है, गलत दावा। FSL की रिपोर्ट में जो बोन हड्डियों की और जो स्किन की जो जांच करवाई गई है हैदराबाद से जो DNA की, कह रहे हैं कि उसके अंदर शो नहीं किया गया, वो रिपोर्ट कहीं पर भी एस्टेब्लिश नहीं करती है कि गनशॉट इंजरी है। तो FSL की रिपोर्ट को भी चैलेंज किया गया। इस तरीके से 4-5 एविडेंस रखे गए, कारण रखे गए, बताए गए, तो ये लगातार। और इसके अलावा ह्यूमन ग्राउंड जो रखा गया जमानत के लिए, ह्यूमन ग्राउंड को आधार बनाने की कोशिश की गई, तो उसमें ह्यूमन ग्राउंड को भी के बारे में कहा गया। बिल्कुल, तो भवानी हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। पास कर सकते हैं, उसमें आदेश पारित कर सकते हैं। अभी भी फैसला आया कि 2 बजे के करीब सलमान खान पूरे मामले को आगे बढ़ाने वाले महिपाल जी हमारे साथ महिपाल बिश्नोई से हम बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूंगी 3-4 चीजें जो कोर्ट के अंदर खास तौर पर इम्पोर्टेंट रही थी। जो जैसे ही पूछा गया सरकारी पक्ष की ओर से, उसके बाद में बिश्नोई समुदाय के जो वकील है महिपाल बिश्नोई, उनसे पूछा गया कि आप कुछ रखना चाहेंगे, तो सीधा ऑब्जेक्शन जो महिपाल बिश्नोई ने रेज किया, उन्होंने कहा कि जमानत किसी भी कंडीशन में नहीं दी जा सकती क्योंकि 5 साल का सेंटेंस दिया गया है और ये क्योंकि उससे पहले भी सज़ा हो चुकी है
और इसमें कहीं पर भी एक ग्राउंड नहीं बनता है कि 5 साल की सज़ा के अंदर जो ग्राउंड गिनाए गए उसके आधार में इनको कोई राहत दी जा सकती है। दूसरा उन्होंने आधार रखा क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर सज़ा स्थगित नहीं हुई तो किसी आधार पर इनको राहत नहीं मिलनी चाहिए, इसको ऑब्जेक्शन किया गया। उसमें सलमान खान के जोर लगाए रहा, उनकी ओर से पक्ष रखा गया कि सज़ा अगर स्थगित की अपील वो कर रहे हैं, अगर वो खारिज होती तो उसके आधार पर कोर्ट आगे डिसाइड करेगा, लेकिन पहले वो जेल के अंदर सलमान खान क्यों रहे जब 20 साल हाजिर था, जब किसी पैसे पर वो ऐसा रहा नहीं कि वो आए नहीं हो या उन्होंने कोई कभी कोर्ट ने बुलाया हो, किसी मकसद के लिए बुलाया हो, वो हर बार हाजिर हुए हैं। तो उनके तर्क था कि उनको ये मौका मिलना चाहिए, सलमान खान को बेल का मौका मिलना चाहिए, इस केस का फैसला आगे जाकर अपील के अंदर चाहे कुछ भी हो। हमारे साथ हैं, अब हम कुछ बात करेंगे महिपाल विष्णु हैं, विष्णु समाज के वकील। आप बताएं सर, आज कोर्ट में क्या हुआ? निश्चित तौर पे आज जो कल से आज पे रखा गया था, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया था और उसके पश्चात आज जो पीठासीन अधिकारी रविंद्र कुमार जी जोशी द्वारा आज बहस सुनी गई, सलमान खान के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क आज पुनः रखे गए, जिस पर मुख्य तौर पे कल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है पोकर राम जी बिश्नोई तथा हमारी ओर से था, उन हम दोनों पक्षों को सुना गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ये कहा गया कि काफ़ी जजमेंट और दूसरे दस्तावेज काफ़ी महत्वपूर्ण है, अभी मैंने देखा नहीं, या तो समय दें, अन्यथा उन्होंने फिर उनका जो जवाब था उन्होंने पेश किया तथा अपनी दलीलें पेश की। साथ ही साथ हमने ये बताया वाइल्ड लाइफ के तहत जो धारा 50 है उसके सब सेक्शन 8 के तहत जो सलमान खान की मौजूदगी में पूनम चंद के गवाह लिए गए, इन सब तथ्यों के यदि देखें तो केस काफ़ी मजबूत है और इस प्रकरण में अभी सलमान खान को बरी होने की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए इन्हें जमानत नहीं दिया है। जो पीठासीन अधिकारी रविंद्र कुमार जी जैन जोशी के द्वारा दोनों पक्षों को सभी पक्षों को सुनने के पश्चात आदेश के लिए उन्होंने अपनी बहस पूर्ण कर आदेश रिजर्व कर लिया तथा उन्हें ये कहा गया कि लंच के पश्चात अर्थात 2 बजे पश्चात वो कभी भी इसका आदेश पारित कर सकता था, सुनाया जाएगा। महिपाल जी, एक उन्होंने ह्यूमन ग्राउंड गिनाया था, उन्होंने कहा था कि कभी भी वो जब भी कोर्ट ने बुलाया वो आए हैं, तो ऐसा कोई आधार नहीं बनता है कि उनको जमानत नहीं दी जाए? नहीं नहीं, ह्यूमन ग्राउंड है, कभी भी कोर्ट ने बुलाया आया तो ये तो जमानत जब दी जाती तो टर्म्स एंड कंडीशन है, उससे ज़्यादा तो गवाह और इन्वेस्टिगेशन अधिकारी आया है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ के बार बार हाजिर रहा है, तो ये चीज़ें उनकी ठीक है, उसमें कोई दोराय नहीं है जो उन्होंने लिखी। एक न्यायिक प्रक्रिया ऐसा सभी के लिए होती है। एक उन्होंने टीवी का उदाहरण गिनाया कि काफ़ी फॉलोवर्स हैं लोग, उसके बारे में क्या ऑब्जेक्शन था? ये उनके ग्राउंड हो सकते हैं, उससे इस केस के ऊपर मेरिट पे कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि वुमन ग्राउंड है, जो भी उनका लेंगे वो अपना ग्राउंड देंगे। एफएसएल की रिपोर्ट, जो सबसे बड़ा गन शॉट इंजरी आप भी बता रहे हैं, उन्होंने कहा एफएसएल आदेश के लिए रखा गया है, तो अभी केस के बारे में डिस्कस नहीं करें, अभी ये बताते हैं दोनों पक्षों को सुनने के बाद में रविंद्र कुमार जी जोशी के द्वारा आदेश सुरक्षित कर लिया गया और तथा बता दिया गया कि 2 बजे पश्चात कभी भी उस आदेश में आदेश पारित किया जा सकेगा, आदेश अर्थात ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। तो 2 बजे बाद में ऑर्डर पारित कर दिया जाएगा, पास हो जाएगा कि सलमान खान को बेल मिलेगी या जेल के अंदर रहेंगे, और ये काफ़ी अहम है। अगर सलमान खान को अगर आज बेल नहीं मिलती है तो फिर उसके बाद में हाईकोर्ट जाना होगा, और हाईकोर्ट क्योंकि कल संडे है, मंडे को अपील की जा सकती है, और अगर जल्दी फैसला आता है तो भी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, इस वजह से ये संभव नहीं है। तो तमाम इस तरीके के जो ग्राउंड है उसके आधार पर अब अगर 2 बजे बाद में खास इंतज़ार रहेगा कि क्या उनको बेल मिलती है नहीं मिलती, लेकिन 3-4 चीज़ें जो अलग तरीके से गिनाई गई है जो कोर्ट के अंदर जी। महत्वपूर्ण दलील जो आपने हमारे साथ हैं महेश बोड़ा सर, 20 साल का ट्रायल पेश किया और दूसरी बोड़ा साहब इसके बावजूद कि वो बेहद बिजी रहते हैं तब भी वो हर पेशी पे आए, उन्होंने कभी जंप नहीं किया, इसलिए 20 साल बाद में केस का अगर जजमेंट आया है तो आज उनका बनता है अधिकार कि उनको जमानत पर छोड़ दिया जाए, अपील जब तय होगी तब देखा जाएगा उसका फेट क्या होगा। बोले साहब उन्होंने एक जो सरकारी वकील की दलील थी साहब, केस उनके खिलाफ बहुत बनता है इसलिए उनकी जमानत नहीं दी जाए, इसके अलावा कोई दलील सर। और बोले साहब उन्होंने एक बात कही थी कि इनका पुराना रिकॉर्ड मांग लिया जाए, कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, हमने कहा कोई केस पेंडिंग नहीं इस देश के अंदर। आपको लगता है सर, जो आपने आप हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था तब भी जो है इसको बार बार ये प्रोसिक्यूशन इस दलील को उठा रहा है कि 2 केस और उनकी इच्छा जो दलील उठा रही है, तो वही बात है कि आज कोई केस नहीं। उन्होंने फिर जो आम से एक्ट वाली आपने दलील की वो क्या स्ट्रांग दलील है आपकी तरफ से? बिल्कुल स्ट्रांग दलील है, आम से एक्ट में एक्विटल हो गया इसलिए आज की तारीख के अंदर नहीं माना जा सकता। सर आप एक
सर सर दूसरी बात इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने जो तीन तर्क रखे थे खासतौर पर आपने तीन तर्क अच्छा आर्गुमेंट वी मेड द यस्टरडे ना टुडे द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज सेड समथिंग वी हैव गिवन द रिप्लाई टू देम एंड द कोर्ट हैज पोस्टेड द केस आफ्टर द लंच लंच के बाद ऑर्डर आएगा कोई आर्गुमेंट नहीं होने अब अच्छा आर्गुमेंट दोबारा नहीं किया जाता है वो बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आर्गुमेंट किया था जवाब दिया गया जवाब ये दिया गया कि 389 को अलाउ करना चाहिए इसलिए कि 20 साल से जिस व्यक्ति ने लिबर्टी को मिसयूज नहीं किया ऐसी स्थिति के साथ जमानत होना आवश्यक है क्योंकि 20 साल से एक आदमी ने ट्रायल फेस किया अपील का जब डिसीजन होगा जब देखा जाएगा आपने एक बात रखी थी सर कि सजा स्थगित करने पे अरे रिकॉर्ड भैया कोर्ट के पास है तर्क रखा था सर कि सजा स्थगित करने पे जो भी हो लेकिन इनको अभी राहत दी जानी चाहिए सर जो आपने तीन दलीलें रखी थी मैं आप सुन रहा था कोर्ट के अंदर आपने तीन बड़ी दलीलें रखी एक इनको 20 साल के अंदर आप कब ये बार बार जब भी बुलाया गया कोर्ट में प्रेजेंट हुए कोई ये आपने बात रखी थी दूसरा जो सबसे बड़ा है उन्होंने आपने कहा ह्यूमन ग्राउंड मानवीय आधार भी आपने रखा था सर बेसिक बात यह है कि 20 साल से जो आदमी ट्रायल फेस कर रहा है आज मानो सर कन्विक्शन हो गया तो कन्विक्शन फाइनलिटी पे तो नहीं है ना अपील विल डिसाइड द फाइनलिटी ऑफ दिस कन्विक्शन तो कन्विक्शन अगर जब अपील तय होगी तब देख लेंगे क्योंकि कल अगर हमारे अपील अलाउ हो जाती है तो ये जो समय इतना अंदर जेल में आदमी रह जाएगा उसका खामियाना कौन भुगतेगा इसलिए जब अपील तय होगी तब देखा जाएगा आज कल बेल पर छोड़ देना आपने FSL को चैलेंज किया था चैलेंज नहीं किया FSL ने कहा गन शॉट इंजरी नहीं है हमारे साथ हैं सुषमा जी हैं जो सलमान खान के लॉयर पैनल है उनकी वकील हैं उन्हीं में से सुषमा जी हमारे साथ में सलमान खान के लॉयर पैनल में से आप बताएं आप उस आज कोर्ट रूम में थी क्या हुआ सर दोनों तरफ के आर्गुमेंट कंप्लीट हो चुके हैं प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के दोनों ही के आर्गुमेंट कंप्लीट हो चुके हैं अब कोर्ट ने 2 बजे फैसले के लिए रखा है 2 बजे पर फैसला आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या रहता है क्या ग्राउंड आपकी तरफ से गिनाए गए जमानत के लिए जिसके आधार पर आपने कहा कि आपका पक्ष मजबूत है जमानत दी जाए प्रोसिक्यूशन का ये जोर था कि सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट है FSL रिपोर्ट है तो हमारा साफ साफ कहना उनका जोर बार बार इसी बात पर रहा है तो उनका हमारा साफ तो कहना था कि जहाँ रिपोर्ट अपने आप में डिस्प्यूटेड है और मेडिकल 2 बार पोस्टमार्टम हुए थे जिसमें एक बार में स्किन ली गई दूसरी बार के अंदर सिर्फ कुछ बोन्स ली गई थी और ऐसे स्थिति में जब मेडिकल बोर्ड बैठा था पूरा उसके पोस्टमार्टम के लिए तो उन्होंने साफ ये कह दिया कि हम इस डेफिनेट ओपिनियन पे नहीं है कि जो जो कॉज ऑफ डेथ हो वो गनशॉट इंजरी की वजह से हो क्योंकि उसकी बॉडी जो बाद में निकाली गई थी उस बॉडी के अंदर किसी भी गनशॉट इंजरी की कोई एविडेंस नहीं थी ऐसी स्थिति में यहाँ ये डेफिनेट नहीं कहा जा सकता कॉज ऑफ डेथ जो है डेफिनेट नहीं है तो ऐसे स्थिति में इसका लाभ प्रोसिक्यूशन के पक्ष में नहीं जाता बल्कि डिफेंस के पक्ष में जाता है एक्यूज के पक्ष में जाएगा उसका बेनिफिट प्रोसिक्यूशन को नहीं दिया जा सकता है और ऐसे स्थिति में जब 20 साल तक सलमान खान ने एक ट्रायल सफ़र करी है और उसके अंदर जब जब उसने कोर्ट ने उसे बुलाया है कोर्ट के सामने हाजिर हुआ है उसने कभी भी कोर्ट के द्वारा दी गई लिबर्टी का मिसयूज़ नहीं किया है तो उसको सस्पेंशन और सेंटेंस का लाभ दिया जाना चाहिए एक आई विटनेस पे जो उन्होंने कहा था कि स्ट्रांग आई विटनेस है उनके पास में उसमें आपका आपकी ओर से पक्ष रखा गया था देखिए उसमें भी काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन थे उसको रिलाय नहीं किया है कोर्ट ने अभी उसके ऊपर डिटेल बहस बाद में जब अपील डिसाइड होगी तब उसके ऊपर आज की तारीख में सस्पेंशन और सेंटेंस की थी ना कि अपील की बहस एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आपने और रखा गया कि काफ़ी लोग सलमान खान के फॉलोवर्स हैं देखते हैं टीवी को उसको भी आपने अदा गिनाया था वो बात सही है कि फॉलोवर है लेकिन सवाल बात ये कानून की जो कानून को चोसेस लगेगा वो कोर्ट ऑर्डर करेगा 2 बजे कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद में हमारे सामने स्थिति क्लियर हो जाएगी सजा स्थगित करने को लेकर एक बात जो रखी गई थी अंदर आपकी ओर से रखी गई कि इसके बाद में सेंटेंस सस्पेंड उनको सस्पेंड होता नहीं हो सजा पे लेकिन इनको जमानत दी जाए ग्राउंड पे तो अपील के अंदर जब अपील फाइल होती है साथ में सेंटेंस ऑफ सस्पेंशन होता है और वही सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ही अपील होता है बेल होती है उसी पर रिलीज किया जाता है वही ऑर्डर होता है तो आपको उम्मीद है कि उनको बेल मिलेगी बिल्कुल हमें उम्मीद है हमको बेल मिलेगी तो ये सुषमा जी सलमान खान की लॉयर हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी तरफ से पूरा पक्ष मजबूत रखा गया जिसमें जिसके आधार पर ये उम्मीद कर रहे हैं कि बेल मिलेगी जी आप बताएं आप कोर्ट के अंदर थे क्या हुआ और ओके तो फिलहाल भवानी से हमारा कनेक्शन टूट गया है आपको दोबारा जोड़ेंगे और लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि फिलहाल वहां पर क्या हो रहा है लेकिन
कोर्ट का फैसला रिजर्व हो चुका है, लंच के बाद फैसला आएगा। दोनों पक्ष अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स रख चुके हैं, जज ने अपना फैसला रिजर्व रखा है लंच तक के लिए, उसके बाद सलमान खान की जमानत याचिका पर कोर्ट का फैसला आएगा। आपको बता दें कि आज सलमान खान की 5 साल की जो सजा उनको दी गई है उस पर जमानत याचिका पर कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, जिसके आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात जज के सामने रख चुके हैं, जज अपना फैसला लंच तक सुरक्षित रख चुके हैं, यानी लंच के बाद ये पूरे मामले पर फैसला आ जाएगा।